हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा रसायन विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं और आज का ये पेपर हमने डिज़ाइन किया है। और आप सबको पता होगा कि इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका वीडियो अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस वाले वीडियो में हमने टोटल 21 ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं, आप उनको करिए। और इसके बाद आपको सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चन करना है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं रसायन विज्ञान का पेपर लेकर हम आ चुके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हैं, फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करिए। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है और ये 3 और 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 4 मार्क्स में भी वह क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए, 4 मार्क्स वाला 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स वाला 4 में भी आ सकता है। तो आपको सभी क्वेश्चन करना है और इसमें सब्जेक्टिव और एनालिटिकल दोनों क्वेश्चन हमने मिक्स करके रखे हैं, तो आपको पूरे क्वेश्चन करना है। इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड है, इकाई कोशिका किसे कहते हैं। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है। और स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर अंतर पूछ रहा है, कहीं भी डिफरेंस राइट करने अगर आता है और 3 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको 3 मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखना है। और अगर 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो आपको मिनिमम 4 से 5 पॉइंट नोट करना है। आपको ये देख के चलना है कि कितने मार्क्स में वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से आपको आंसर नोट करना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आप देख सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है क्यों। तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लीगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है लीगेंड से आप क्या समझते हैं सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी नोट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सिक्स आप देख सकते हैं, उपसंयोजी यौगिकों के नामकरण सूत्र लिखने के नियम लिखिए। तो यहाँ पे आपका सिक्स क्वेश्चन है, ये 3 या फिर 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेवन्थ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेवन्थ के अंदर 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, फेरोसिन की संरचना समझाइए। यहाँ पे आपको फेरोसिन की संरचना यहाँ पे समझाना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड आप देख सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में यहाँ पे डी कक्षकों का विभाटन का चित्र बनाइए। यहाँ पे विपाठन का चित्र आपको बनाना है और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन IMP है इसमें सेवन के अंदर, और ये प्रश्न 4 मार्क्स में बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें भी आ सकता है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, ये बोर्ड परीक्षा और आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, दोनों परीक्षाओं के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 8 आप देख सकते हैं, लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट, 100% आपके अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर यहाँ पे लिखना है और ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और 4 मार्क्स में अगर पूछ रहा है तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट नोट करना है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 आप देख सकते हैं, श्वेत फॉस्फोरस एवं लाल फॉस्फोरस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आज हम आपको दे रहे हैं, ये पूरे मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पे आपको श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में अंतर लिखना है, मिनिमम 4 से 5 पॉइंट नोट करना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्या है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताना है एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। अब यहाँ पे कोई 2 एंटीबायोटिक के नाम आपको लिखना है और एग्जाम्पल यहाँ पे आप मीन्स दे सकते हैं। आप यहाँ पे नाम लिख देंगे तो वही एग्जाम्पल हो जाएंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और जो आपका ये लास्ट वाला चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसी के बेस पर हमने आज आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। और इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी बच्चों। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इनके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनके सॉल्यूशन आपको चाहिए। और इसके अलावा आप कमेंट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ
व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।